तो देखिए फ्रेंड, अब मैंने लगा ली है सोने बनाने की फैक्ट्री, और बड़ स्टॉक में भी कितना सारा सोना मैंने लगा लिया है, पूरे 80 करोड़ का सोना लगा है गाइस, पूरे 80 करोड़ रुपए का सोना। और अब जिसको सोना है वो भी वीडियो देखे, और जिसको नहीं सोना है वो भी पूरा वीडियो देखे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ मजाक था भाई, मजाक। देख सकते हो दोस्तों आप, यहाँ पे हाथों की ग्रिपिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, ये देखिए। तो बात करेंगे मजल लोडिंग गन के बट स्टॉक की। क्योंकि आपके हमेशा इस पे कमेंट आते कि आप स्टॉक का डालिए या लॉक प्लेट का डालिए, तो आज हम आपको प्रॉपर पार्ट दिखाएंगे जो पित्तल में बन के आते हैं, और उतना ही अच्छा वट दिखाने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, और वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल या वीडियो पे हो तो चैनल को कर लो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से हमेशा आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का मिलता रहेगा। तो गाइस देर हम बिल्कुल नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पित्तल का बट प्लेट लगाया है हमने, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्केल के जरिए। 5 इंच रखी है हमने इसकी चौड़ाई, और मैक्सिमम ये रहती है 5.5 या 6 इंच के करीब। और इसके आगे की बात करते हैं, पैच बॉक्स लगा हुआ है जो पी कैप्स डालने के लिए होता है, इसको भी हम खोल के दिखा देते हैं आपको। और ये जो ऊपर का सिरा है इसकी जो यहाँ तक लंबाई है 9 इंच है, और ये भी 9 इंच है। और इसके आगे की बात करें तो गोलाई आप खुद चेक कर सकते हो, बढ़िया चेकरिंग ड्रॉ किए हैं हमने। देख सकते हो आप चेकरिंग की कटिंग, और यहाँ पे ये भी देख सकते हो जो हैंड ग्रिप का वॉक्सिंग या पार्ट आता है उसकी फिटिंग भी देख सकते हो आप। ट्रिगर गार्ड, शानदार तरीके की फिटिंग, लकड़ में आपको कोई भी गैप देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। अब आते हैं हम इससे आगे, लॉक प्लेट का आप देख लीजिए फिटिंग शानदार तरीके से। हालांकि एक ही क्रोसिंग स्क्रू हमने लॉक प्लेट को डाला है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो दूसरी तरफ। और लकड़ की शाइनिंग भी शानदार है, हालांकि अभी हमने पॉलिश नहीं किया है इस वट को। और तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बेल की फिटिंग भी साथ साथ दिखा देता हूँ। जो बेल की फिटिंग के लिए जिसे कोठी बोला जाता है, मतलब जितने भी स्टेट है उसकी अलग अलग बोली है, तो यहाँ पे हम इसको कोठी बोलते हैं। और एक ही शानदार स्क्रू, हालांकि हाफ स्क्रू भी यहाँ पे डाला जा सकता है, लेकिन हमने इसको पूरा स्क्रू डाला हुआ है जो यहाँ तक आता है, मतलब थ्रेडिंग हुई है इस स्क्रू को, और यहाँ पे भी थ्रेडिंग है। तो बैरल हिलने का तो इसमें कोई भी रीजन नजर नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, स्क्रू की बात हो गई, अब जो बैरल
कि फिटिंग की लेंथ है वुड में वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 16 इंच रखी हुई है। हालांकि मैक्सिमम जो मजल लोडिंग गन आती है उसमें इसकी लेंथ 12 इंच रहती है। तो अब चलते हैं हम इससे आगे, शानदार चेकरिंग आप देख सकते हो, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं गाइस, ये देख सकते हो आप शानदार चेकरिंग, जिसमें कोई भी फर्क आपको नजर नहीं आएगा। मैक्सिमम जो डिवाइड किए हुए है वो डिवाइडिंग बराबर है, और काफी मुश्किल रहता है चेकरिंग को काटना या इसकी ड्राइंग करना। तो अब बात करते हैं जो क्रॉसिंग पिन है बैरल की, ये भी काफी मजबूत फिटिंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हो आप इतनी मजबूत फिटिंग है ये, कि मतलब बैरल में प्ले आने का कोई भी खतरा नहीं है। और इससे आगे हम बात करेंगे जो वंग का स्टॉक लगा हुआ है बैरल को एडजस्ट करने के लिए, आप देख सकते हो बैरल सीधा यहाँ से आएगी और यहाँ पे फिट हो जाएगी। और इसकी फिटिंग के लिए भी एक स्क्रू हमने यहाँ पे डाला है, और मैक्सिमम होता भी है ये। और ये जो मजल लोडिंग गन की रोड का बॉक्स है, इसके लिए साइड फिटिंग पिन लगाई हुई है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्क्रू हमने फिट किए हैं अभी तो ये काफ़ी चमक रहे हैं, देख सकते हो गाइस आप, लेकिन उसके बाद हम इसको करेंगे ब्राउनिंग और पॉलिश के बाद। अगर कोई गैप आपको फिटिंग में नज़र भी आता है, वैसे तो कोई गैप नहीं है, आप खुद बॉच कर सकते हो, मतलब जो पित्तल के पार्ट की फिटिंग हुई है कोई भी गैप नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब पॉलिश होगा तो ये पूरी तरह से वुड में सेट हो जाएंगे और काफ़ी शानदार तरीके से लॉक प्लेट की भी फिटिंग हुई है। देखिए दोस्तों, कोई भी ताकत आपको हैमर को छोड़ने के लिए लगेगी नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और आर्म एक्ट से रिलेटेड कमेंट कीजिए। एक्स्ट्रा कमेंट को मैं खुद अपने चैनल से हटा देता हूँ। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।